केन्या की राजधानी नैरोबी के मॉल में हुए आतंकी हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। 1998 के बाद केन्या में हुए सबसे बड़े हमले की साजिश एक महिला ने रची है और मॉल नरसंहार की मास्टरमाइंड भी यही महिला है। इस महिला को व्हाइट विडो के नाम से जाना जाता है, यानी सफेद विधवा, जिसकी पहचान दुनिया की सबसे खूंखार आतंकी महिला के रूप में भी है। संजीव कुमार की रिपोर्ट देखिए। नैरोबी नरसंहार की खलनायिका, 200 से ज्यादा घायलों की गुनहगार, मॉल में मौत बांटने वाली मैडम, गोरा चेहरा, सिर से गले तक काला स्कार्फ, पहली नजर में बेहद मासूम लगने वाली इस महिला को दुनिया व्हाइट विडो के नाम से जानती है। इस सफेद विधवा को देखने के बाद किसी के लिए ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ये नैरोबी में मारे गए 68 लोगों और 200 घायलों की असली गुनहगार है। नैरोबी के मॉल को खून से रंगने वाली इस सफेद विधवा का नाम है सामांथा लिथवे। माना जा रहा है कि जिस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया, उस हमले की असल मास्टरमाइंड ये है सामांथा और सफेद विडो। नैरोबी मॉल में हुए हमले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जिन आतंकियों के ग्रुप ने मॉल में घुस के बेगुनाहों का खून बहाया, उनको लीड कर रही थी ये व्हाइट विडो। मॉल से बचकर निकले चश्मदीदों ने यह खुलासा किया है कि ये व्हाइट विडो एक कमांडर की तरह आतंकियों को निर्देश दे रही थी। कब क्या करना है, किस पर हमला करना है, कैसे करना है, इस सब की योजना इसी सफेद विधवा ने तैयार की थी। और बताया जा रहा है कि मॉल में 15 आतंकी इसी महिला से कमांड ले भी रहे थे। मॉल में खुद आतंकियों की अगुवाई करते हुए घुसी थी सामांथा। आतंकी हमले में बचे चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने एक बुरखा पहने एक श्वेत महिला को ऑर्डर देते सुना था। पुलिस के मुताबिक ये श्वेत महिला सामांथा लिथवेट है। चश्मदीदों के मुताबिक सामांथा हमलावरों को अरबी भाषा में हमले के निर्देश दे रही थी। पहले बीच में ये हुआ कि भाई ये चाइल्ड वो सोल्जर्स को इस्तेमाल कर रहे थे, उनको सुइसाइड बॉम्बर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और अब महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अभी ये एक नया ये 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 रूप ले रहा है। और देखिए, अगर दुनिया में अगर महिलाएं धर्म के नाम पर वो इस तरह से कत्लेआम पे उतर जाएं तो ये दुनिया का क्या होगा। कीनिया में इसराइल मॉल पर हमला सोमालियाई आतंकी संगठन अल शबाब ने किया है। इस संगठन को सोमालिया में अलकायदा की युवा ब्रिगेड समझा जाता है और काफी समय से सामांथा इसका हिस्सा है। सामांथा कीनिया में पश्चिमी देशों के लोगों पर हमले की योजना बनाती है। खबर है कि पिछले साल अगस्त के महीने में सामांथा एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए कीनिया में दाखिल हुई थी। नैरोबी में हुए आतंकी हमले में ब्रिटेन के भी कई नागरिक मारे गए हैं। कुछ जानकार बताते हैं कि सामांथा के निशाने पर इजराइल और पश्चिमी देशों के लोग हमेशा रहते हैं। 98 में भी एक आतंकी हमला हुआ था और फिर जा करके अब फिर हुआ है, और उस समय अमेरिकन एम्बेसी पर हुआ था, इस समय इजराइल के इस मॉल पर हुआ है। और इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकवाद, जिसे आप बार बार हम लोग कह सकते हैं कि या इस्लामिक संगठनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल उसका कम है, ज्यादा ये है कि यह लड़ाई जो है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। मॉल के अंदर अभी भी अल शबाब के आतंकी मौजूद हैं। बताया जाता है कि मॉल के अंदर अभी भी लोगों को बंधक बना के रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सामांथा अभी भी अंदर हो सकती है। फिलहाल मॉल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इजरायली और केन्याई कमांडो इसे खाली कराने में लगे हुए हैं। सामांथा 2005 के बाद सुर्खियों में आई। सामांथा के पति जर्मेन लिंडसे ने ही 7/7/2005 को लंदन में धमाके किए थे जिसमें 52 लोगों की मौत हो गई थी। लंदन हमले में जर्मेन भी मारा गया था। तब से सामांथा को व्हाइट विडो कहा जाता है। अलकायदा के लिए काम करने वाली महिलाओं में सामांथा को सबसे खूंखार महिलाओं के रूप में जाना जाता है। अपने पति की मौत के बाद सामांथा आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय हुई और साथ ही उसे अल शबाब का फाइनेंसर भी कहा जाता है। सामांथा ने नौजवानों को अल शबाब में भर्ती कराने का काम भी किया। वहीं नौजवान जिसे सामांथा ने ट्रेनिंग दी,
वो अभी भी समानता की अगुवाई में मॉल में खूनी खेल खेल रहे हैं।